हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ये जो नोटिफिकेशन रहेगा कल रात को ही जारी किया गया, यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा मेरे भाई 700+ आपको लाइक करवा देना, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना बिना कंजूसी किए। यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोजिशन आपको देखने को वाली है। तो यहां पे ट्रेनिंग इंजीनियर का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। इवन यहां पे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर बीकॉम और बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। डायरेक्टली जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इवन यहां पे जो ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी, अप्रॉक्स सारी की सारी ब्रांचेज यहां पे एलिजिबल देखने को मिलने वाली है। एंड यहां पे कोई भी फीस नहीं रखा गया, ₹0 का फॉर्म फीस रहने वाला है। फ्री का यह फॉर्म है। जो जो स्टेप्स वीडियो के अंदर बता रहा हूं उनको फॉलो करिएगा, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अंदर सारे स्टेप्स मैंने क्लियर आउट किए हैं, बताए हैं आपको। इवन मैं आपको बता देता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो यहां पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीबीटेक अगर आपने किया है आप एलिजिबल रहेंगे। इवन अगर आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है या बीएससी नर्सिंग में भी कर रखा है तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करवा रखे डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लाइक टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे उन जॉब्स का अपडेट देता रहता हूं मैं, जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होइए। आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी सवाल पूछना है आपको, आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा, डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो मैं उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो कि हाईलाइटेड है ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। इवन आपकी जो लोकेशन देखने को मिलेगी जॉब का वो हैदराबाद का देखने को मिलेगा। डेट आप सकते हैं 26 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहां पे निकाला गया और यहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर यहां पे मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं यहां पे इंडिया के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के नागरिक आप एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन आपका हैदराबाद का रहेगा, बैच आपका रहेगा 2022-23 का बैच आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जनरल ग्रेजुएशन किया है लाइक बीएससी या बीकॉम कर रखा आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहां पे डिप्लोमा कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पोर्शन के लिए, जो कि आपको होता है 1961 के एक्ट के तहत आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे जो आपका इंजीनियरिंग वालों के लिए निकाला गया, जिसके अंदर बीबीटेक वाला अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जो डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ सीट और क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ये सारी चीजें उन्होंने एक चार्ट में मेंशन कर दी है। अगर आपने बीबीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 सीट यहां पे आपके लिए निकाली गई है। अगर आपने सीएस के अंदर कर रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर कर रखा है, तो एक सीट आपको देखने को मिलेगी। मैकेनिकल वालों के लिए 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं, 16 सीट यहां पे बीबीटेक वालों के लिए निकाली गई है। तो यहां पे सिंपल सा बोला है कि अगर आपने बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज क्राइटेरिया यहां पे मेंशन नहीं किया गया। अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट पोजीशन के बारे में। तो जिन्होंने डिप्लोमा किया उनके लिए जो पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे इन्होंने सीरियल नंबर, डिसिप्लिन, नंबर ऑफ सीट और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर कर रखा है तो 20 सीट आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया तो 1 सीट देखने को मिलेगी। सिविल वालों के लिए यहां पे 2 सीट देखने को मिलेगी। फार्मेसी में अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके लिए 1 सीट देखने को मिलेगी। और अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर किया डिप्लोमा तो 1 सीट देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ सीट आपको जो देखने को मिलेगी वो 25 टोटल नंबर ऑफ सीट आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहां पे नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए, जिनको रहेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, 1 साल का प्रोग्राम रहेगा। अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको 12 सीट देखने को मिलेगी। बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो 4 सीट देखने को मिलेगी। और बीएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है तो आपको 2 सीट देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 18 देखने को मिलेगी। आपका ग्रेजुएट यहां पे रेस्पेक्टिव यहां पे ब्रांचेस के अंदर होना जरूरी है, रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएशन होना
जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1/1/2020 के बाद होना चाहिए, मतलब कि 1 जनवरी 2020 के बाद का कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो नॉर्मल से बैच एलिजिबल रहेंगे 2020 का बैच एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकते हैं। 21 का बैच एलिजिबल रहेगा, और अगर आप 22 में पास आउट हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, और 19 से पहले अगर आपका डिप्लोमा BBTech हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब चीजें मेंशन की गई है। रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे आपको बिल्कुल दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, एज आपका रहेगा 18 से 27 साल, और इसमें एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, वहीं SC ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया है कि अप्लाई के बारे में क्वालिफिकेशन, वॉक इन ड्राइव आपका रहेगा, और रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या रहेगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है अगर आपने, और अगर आपने सिंपल BBTech में इंजीनियरिंग किया, और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ पे 9/11/2022 को जा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9:30 बजे का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये वेन्यू मेंशन किया गया है। इस वेन्यू पे आपको जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉक इन ड्राइव के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, उसके अंदर आपका आधार कार्ड रहेगा, आपका 10वीं का मार्कशीट रहेगा, एंड आपका यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो ये सारे ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं। एंड यहाँ पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है डिग्री डिप्लोमा का। और अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD ये सब सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेंगे अगर आप आते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो यहाँ पे आपको 1 सेट पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना पड़ेगा, और जेरोक्स ऑल कॉपी आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, सर्टिफिकेट रहेंगे, उसके जेरोक्स आपको लेके जाने पड़ेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने पड़ेंगे, और आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जो COVID-19 के अंदर जो आपका वैक्सीनेशन हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना जरूरी है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसी के बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, नॉर्मली आपके जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर मार्क्स आए उसी के बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जिन कैंडिडेट ने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है या जिनका अप्रेंटिसशिप चल रहा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे मेंशन किया गया है नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे बात करते हैं कुछ, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो यहाँ पे नंबर दे रखे, उनका मेल आईडी दे रखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके, फोन करके भी पता कर सकते हैं, या फिर आप इनकी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, या कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका भाई आपका इंस्टेंट रिप्लाई कर देगा। और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।